ब्राजीलियन राइटर पाउलो कोएलो ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द एल्केमिस्ट में ये बात कही है, व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। इसको इस तरीके से देखते हैं, एक चिड़िया और उसका एक छोटा सा बच्चा। चिड़िया दुखी और नाराज क्योंकि सागर ने उसके बच्चे को डुबा दिया था। चिड़िया ने ठान लिया कि अब सागर को सुखा के अपने बच्चे को निकाल लेगी, अपने काम में लग गई हो। दूसरी चिड़िया ने देखा, उसने पूछा, क्या कर रही है? तुम्हारी छोटी सी जान, तुम सागर को सुखा पाओगी? उसने कहा, देखो देना है तो साथ दो, सलाह न दो। तो चिड़िया भी उसके साथ लग गई। देखते 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 सागर के ऊपर चिड़िया ही चिड़िया छा गई। चिड़ियों की कौम के गरुड़ देवता, जो कि विष्णु भगवान के वाहन है, उन्होंने देखा, वो भी उन लोगों का साथ देने के लिए चल पड़े। विष्णु भगवान ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहे, प्रभु अपने लोगों का साथ देने के लिए, सागर को सुखाने के लिए। कहे, क्या बात करते हो, तुम लोग सागर को सुखा पाओगे? तो गरुड़ ने कहा कि प्रभु देना है तो साथ दीजिए, सलाह न दीजिए। अब विष्णु भगवान क्या करते, वो भी साथ चल दिए। अब सागर संघ बाहर निकला, प्रभु को अपने तट पे देखा, और आपको याद होगा कि ये पहली बार विष्णु भगवान पहुंचे थे सागर के तट पे। दूसरी बार जब रामचंद्र जी को लंका पहुंचना था तब पहुंचे थे सागर के तट। खैर, सागर ने क्षमा मांगी और चिड़िया के बच्चे को वापस कर दिया। तो बात जीत की थी, जीत जीती और सागर हारा। आपकी जीत इस तरीके से होनी चाहिए और उसके साथ साथ उम्मीद भी। उम्मीद कैसी, उसको अगली लाइनों में देखते हैं। राजवंश रूठे तो, राजमुकुट टूटे तो, सीतापति राघव से राजमहल छूटे तो, आशा मत हार, पार सागर के एक बार, पत्थर में प्राण फूंक सेत फिर बनाना है, पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है। तो आपकी जीत और आपकी उम्मीद इस तरीके की होनी चाहिए कि सागर भी झुक जाए छोटी सी चिड़िया के सामने। थैंक यू।